जय हिंद। इस वीडियो में लोग ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी के बारे में बात करेंगे। आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में इस कंपनी में चल क्या रहा है, शेयर प्राइस नीचे क्यों जा रहा है, और उससे भी इंपॉर्टेंस वाली है कि शेयर प्राइस ऊपर उठने के चांसेस कब से हैं, यानी कि शेयर प्राइस बढ़ेगा कब ताकि हमें जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो सके। सब सवाल का जवाब इस वीडियो में एकदम आसान भाषा में देने की कोशिश करूंगा। बस आप लास्ट तक बने रहिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा, यह हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, ओरिएंट ग्रीन पावर के आज के शेयर प्राइस की बात करें तो यह 10.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, और हालांकि देखेंगे तो इसमें 2.78% की गिरावट आज भी देखने को मिली है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस कंपनी का शेयर प्राइस लगातार कई दिनों से नीचे ही जा रहा है। आज ये ओपन हुआ था 10.95 रुपये पर, क्योंकि आज मार्केट भी पॉजिटिव मोड में था सुबह जब ओपन हुआ तो, और दिन भर मार्केट पॉजिटिव मोड में ही रहा। तो ओपन इसका शानदार हुआ था 10.95 रुपये पर, और दिन भर में इसने 11 रुपये का हाई भी बनाया, लेकिन शाम होते होते इसने 10.5 रुपये पर क्लोजिंग दे दिया। मैं जब यह वीडियो बना रहा हूँ उस समय 10.5 रुपये इस कंपनी का प्राइस है, समझेंगे। हाई लगा चुका है 28.45 रुपये का, और ये हाई कब लगाया था, इसी साल जनवरी में। जनवरी में हाई लगाने के बाद शेयर प्राइस देखेंगे तो कंटिन्यूस उसके बाद से डाउन ही गया है, समझिए। जब इस कंपनी का शेयर प्राइस 2-3 रुपये था तो 3 रुपये से इसमें तेजी आना शुरू हुआ, और 2-3 रुपये से उठकर पहुंचा 28 रुपये के आसपास। इसके पीछे कारण यह था कि क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया था, और जब भी किसी कंपनी के खासकर पेनी स्टॉक की बात करें तो उसमें क्वार्टरली रिजल्ट जब भी अच्छा आते हैं तो उसमें ऑपरेटर्स अपना काम करते हैं। फिर जब Q3 में रिजल्ट प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ तो वहां पर ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए, और जो लोग ऊपरी लेवल पर बाई किए थे वो इसमें अभी फंस गए हैं। हालांकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप ऊपरी लेवल पर बाई करके इसमें फंसे हुए हैं और आपको नुकसान हो रहा है तो चिंता और घबराने की कोई बात नहीं है। ये ऐसी कंपनी है जो इसका बिजनेस मॉडल है उसके हिसाब से अगर आप इसमें कुछ समय देते हैं तो 28 रुपये से भी बहुत ऊपर इस कंपनी का शेयर प्राइस जाएगा। यह जो कंपनी है इसका बिजनेस मॉडल एकदम बेस्ट है, पावर सेक्टर से बिलोंग करती है, और उसमें भी देखेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में यह कंपनी काम करती है, वाइन टर्बाइन से बिजली का प्रोडक्शन करती है और उसको सेल करने का काम करती है। तो गवर्नमेंट भी इसको काफी सपोर्ट कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी से गवर्नमेंट का लक्ष्य 2030 तक 530 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन हो भारत में, और गवर्नमेंट चाहती है कि थर्मल पावर प्लांट से जितने आज के समय में बिजली पैदा किया जा रहा है उसमें कटौती की जाए। कब तक हम लोग थर्मल पावर प्लांट के भरोसे बैठे रहेंगे, कब तक आखिर थर्मल पावर प्लांट से बिजली पैदा करते रहेंगे? आपको पता है थर्मल पावर प्लांट से बिजली बनाने के लिए कोयले की जरूरत पड़ती है, और एक समय ऐसा आएगा जब कोयले का स्टॉक खत्म हो जाएगा, और कोयले से बिजली पैदा होती है इसका नुकसान भी है, कार्बन बहुत निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड कोयले से, और उससे वातावरण भी प्रदूषित होता है। इन्हीं सब कारणों से गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी को काफी फोकस करे। अगर आपका इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है तो आप बेशक लॉन्ग टर्म के नजरिए से इसमें आप बने रहिए, आपको आने वाले समय में अच्छा खासा फायदा होगा। हड़बड़ी कीजिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा, समय नहीं दीजिएगा शेयर बाजार में तो शेयर बाजार से पैसा नहीं बनेगा, आप मान के चलिए इस बात को। नया अपडेट यह है, नया तो नहीं है, 19 अप्रैल का ही अपडेट है कि कंपनी फंड रेज करना चाहती है, और इसके लिए कंपनी राइट इशू लेकर आना चाहती है। राइट इशू में क्या होता है, प्रमोटर्स अपने शेयर्स बेचेंगे और उसके जरिए कुछ पैसा उठाएंगे, क्योंकि पावर सेक्टर की कंपनी है इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है, इसको चलाने के लिए पैसों की बहुत अधिक जरूरत पड़ती है, और अभी यह कंपनी बहुत कर्ज में है। तो जब कर्ज में है इसके पास रिजर्व कैश पैसा है नहीं, तो जाहिर सी बात है प्रमोटर्स को राइट इशू के जरिए पैसा उठाने की जरूरत पड़ी है, वो लोग उठाएंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं इस कंपनी का फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा। देखिए, कंपनी के ऊपर कर्जा है 1255 करोड़ रुपये का, काफ़ी हैवी अमाउंट इसको कह सकते हैं एक पेनी स्टॉक के लिए, जबकि इसका मार्केट कैप है सिर्फ 812 करोड़। और मैक्सिमम पावर सेक्टर की जितनी कंपनियां देखेंगे, चाहे वो बड़ी कंपनी हो, लार्ज कैप कंपनी भी हो, उनके ऊपर भी कर्जा होता है। अडानी ग्रीन का नाम ले लीजिए, अडानी पावर का नाम ले लीजिए, टाटा पावर का नाम ले लीजिए, ऊर्जा ग्लोबल का नाम ले लीजिए, तमाम ऐसी कंपनियां मिल जाएंगी जिनके ऊपर कर्जा बहुत अधिक होता है। और एक बात इस कंपनी में अच्छी है कि इसका कर्जा भले 1255 करोड़ का है, लेकिन 2014 से अगर देखें तो हर एक क्वार्टर में इसने अपने कर्जे को थोड़े बहुत कम किया ही किया है, और एक समय ऐसा आएगा जब कर्जा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और आप देखेंगे तो इसके पास जो रिजर्व है निगेटिव में है -232 करोड़, लेकिन यह भी कम हो रहा है। तो जब निगेटिव में है तो धीरे धीरे कम होकर जीरो हो जाएगा, और जीरो जब हो जाएगा तो उसके बाद फिर पॉजिटिव में बढ़ना शुरू होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा समय दीजिए, आने वाले कुछ समय बाद इसका रिजर्व भी पॉजिटिव हो जाएगा और कर्जा भी धीरे धीरे, कर्जा पूर्ण रूप से कम नहीं भी हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कर्जा कम हो रहा है ना। और मैंने ऐसा कहा कि कंपनी को तो प्रॉफिट क्वार्टर बेसिस पर हो ही रहा है, थोड़ा बहुत भी हो रहा है लेकिन प्रॉफिट तो हो रहा है, लॉस मेकिंग कंपनी तो नहीं है। जब इसके ऊपर इतना हैवी कर्ज है तो इसको तो लॉस में होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसका बिजनेस अच्छे से रन कर रहा है जिसके बदौलत कंपनी प्रॉफिट में है। असेट्स है कंपनी का 910 करोड़ का, और मार्केट कैप है 812 करोड़ का, मतलब कंपनी की जो संपत्ति है उसके मुकाबले कंपनी का वैल्यूएशन बहुत कम लगाया गया है 812 करोड़ का। तो चूंकि कंपनी के ऊपर कर्जा है और लायबिलिटीज भी तो कुछ होगा, इसी के चलते इसका जो मार्केट कैप है थोड़ा कम है, लेकिन ये चिंता और घबराने की बात नहीं, बाकी सब ठीक है। अब समझिए मेन सवाल है कि प्राइस ऊपर कब जाएगा। हम लोग के लिए जो शेयर होल्डर्स क्या चाहिए, जिस भी कंपनी में हमारा इन्वेस्टमेंट है उसका प्राइस ऊपर जाए, हमें तो बस इसी से मतलब है। समझिए प्राइस ऊपर जाने का क्या है कि अभी तो ओवरऑल देखें तो मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है, मार्केट खुद पॉजिटिव मूड में नहीं है, तो एक ये कारण है। दूसरा है कि इसका RSI अभी डाउन ट्रेंड में है, और मैं मान के चलता हूँ RSI लगभग 25 के आसपास तक आ सकता है, उसके बाद RSI जब ऊपर उठेगा तो आपको पता है जब RSI ऊपर जाता है तो शेयर प्राइस भी ऊपर ही जाता है। इसका सपोर्ट लेवल रहेगा 10 रुपया, जो पहला सपोर्ट लेवल है, और दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट
सपोर्टेबल है 9.60 रुपये का। तो जब आरएसआई 25 के आसपास आएगा उस समय तक शेयर प्राइस भी 10 रुपये तक अगर आगे ठहर जाता है तो अच्छी बात है, हालांकि 10 रुपये के नीचे भी जाता है तो 9.5 रुपये से नीचे नहीं जाएगा, उसके बाद शेयर प्राइस ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको इसमें लंबी अवधि के नजरिया से बने रहने के लिए सोचना चाहिए। कंपनी ठीक है, बिजनेस मॉडल भी ठीक है और फंडामेंटल भी पेनी स्टॉक के हिसाब से कुछ खास बुरा नहीं है। कर्जा है तो पावर सेक्टर की कंपनी पर कर्जा होता है, वो चिंता और तनाव लेने की बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप उसमें कमेंट में जरूर पूछे, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, जहाँ मैं समय देकर सबकी समस्या को दूर करने का प्रयास करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।